ओम शांति। आज की तारीख है 9/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम बच्चों को भी कैसे बुलाते हैं, मीठे बच्चे। स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए बहुत बहुत स्वीट बनो यानी मीठे बनो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? उत्तर है, क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नरक बन गई है। इसमें सभी कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। इसीलिए तुम्हें अब इस दुनिया से नफरत आती है। प्रश्न है, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूले हैं। पहली है, एक ही प्रश्न में दो भूले, वो कौन सी? वो कौन सा प्रश्न और कौन सी भूले? उत्तर, मनुष्य कहते हैं, मेरे मन को शांति कैसे हो? इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता? जब तक वह शरीर से अलग न हो। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं कि ईश्वर के सब रूप हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, बाप की याद में रहे पवित्र और शुद्ध भोजन खाना है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर दो, सवेरे सवेरे उठ यानी अमृत वेले उठकर स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा यानी कोई भी टेंशन न हो और एक ही अटेंशन हो कि हम बाबा को याद करें और अपने विकर्मों का विनाश करें। तो अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा सिमरती रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। हाँ, जो दुनिया में निश्चिंत बेपरवाह बादशाह होके घूमता है उसे कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बादशाह है। क्यों? क्योंकि ये बेपरवाह है, इसको कोई भी चिंता नहीं। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सभी फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वो काम ही वो बिगाड़ देते। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है। बाबा पे छोड़ देते हैं ना, तो बाबा हमें समय पर स्मृति दिला देते हैं और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प और हर सेकंड समर्थ है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।